तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 7वीं की हमारा पर्यावरण। इसमें हम लोग अभी तक 6 चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। 7वां चैप्टर है आपका मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आपने पढ़ चुके हैं कि पारंपरिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां, वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बस्तियां। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्तियां पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, ह्वांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? सिंधु सभ्यता आपने देखी हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वे स्थान जहाँ भवन बस्तियां विकसित होती हैं उस स्थान को हम लोग बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी आवश्यक होती है। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें हम लोग अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। जो लोग झूम खेती कहते हैं, स्थानांतरीय कृषि कहते हैं, वे भी आपके अस्थायी बस्तियां ही बनाते हैं। वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि, ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर भी बनाते हैं। ये आपके मानव बस्ती देख लीजिए। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मैसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा, मैरी ने पूछा, तब लोग शहरों में क्यों आते हैं? उनकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? फिर मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां, अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। यहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते दिखाई देते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा कि हमारे गाँव बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल, अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि, सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादा जी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा। ये आपके जो प्रसाद हैं इन्होंने कहा। ऋतु प्रवास, लोगों की मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। आपने देखा होगा बंजारे जो अपने ऊंट, भेड़ इस तरह से लेके जाते हैं गर्मियों में, वही है ऋतु प्रवास। ऊपर दिए गए संवाद में सिर्फ बस्तियों के 2 विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वन की व दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं।
ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक रूप से में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। या आपकी सघन बस्ती हो गई सघन बस्ती, या आपकी प्रकीर्ण बस्ती। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों पर में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लेट प्लेट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छत फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहरी शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्यों के कुछ गांव लिखिए, लिख दीजिए क्या फर्क पड़ रहा है। परिवहन, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता है था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशु का उपयोग करते हैं। आपने देखी होगी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ठीक है, कई शहरों में अभी भी चलती है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल या ऊंट का उपयोग किया जाता है परिवहन के रूप में। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे समय लगता है। इसी प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के चार मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और आपका वायु मार्ग। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। बात करते हैं सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्ग आपके सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछाए, मरुस्थलों, पन्नों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सब भी कहते हैं। फ्लाईओवर उत्तेज संरचना के ऊपर बनाए जाते हैं। या आपकी पक्की सड़क हुई या आपकी कच्ची सड़क हुई। जायनिंग से लिहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 72 मीटर है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में दोनों का आवागमन एवं भारी सामान को ढूंढने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों ने से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है अभी। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। ट्रांस रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित ब्लाडिवोस्तोक तक जाता है। ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग के मास्को, कजान हो गया, यकेटेरिनबर्ग, ट्यूमेन, ओमस्क,
से होते हुए आपका व्लादिवोस्तोक रूस तक जाता है, ठीक है, रूस का व्लादिवोस्तोक है अंतिम छोर इसका। फिर बात करते हैं जलमार्ग। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नाव, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में आपका डरबन केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में आपका लंदन। अंतर्देशीय जलमार्ग। फिर है आपका वायुमार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा भी है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुर्गम स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर आगम स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं कायरा। फिर है आपका संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है आपकी संचार। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं दीर्घ साधनों को विकसित कर लिया है। तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास ने विश्व में सूचना क्रांति का आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं लोग। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती है, अपितु इनसे हमारे जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेलवे, हवाई जहाज या फिर सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित या बुक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच गति तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बेहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये आपके प्रमुख समुद्री और हवाई पतन है, ये आपके वायुमार्ग है और ये आपका जलमार्ग। रेड लाइन है जो वायुमार्ग और जो नीली लाइन है ये आपका जलमार्ग। जैसे सैन फ्रांसिस्को, सैंटियागो, ठीक है, वैंकूवर, डकार देख लेना आप लोग, ठीक है, अच्छे से। चेन्नई हो गया आपने इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो गया जैसे, पर्थ, मुंबई है आपका पान जलमार्ग से जुड़ा हुआ है, मुंबई आपका हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। तो ये था आपका सातवां चैप्टर, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां एवं परिवहन एवं संचार। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें लगा लेना, ठीक है, और पीडीएफ याद रखिए आप लोग की टेलीग्राम पर डाल दी गई। आठवां चैप्टर है हमारा अगला, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में।